घाटी में सुरक्षा बल लगातार नागरिकों की सुरक्षा के लिए तत्पर रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई न कोई ऐसी घटना सामने आती है जो दिल को दुखा देती है। ऐसी ही खबर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में शनिवार 10 अगस्त को सामने आई, जहां सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुआ और उसमें हमारे 2 जवान शहीद हो गए, 3 जवान जख्मी है। इसके अलावा फायरिंग में 2 नागरिक भी घायल हो गए। माना जा रहा है कि आतंकी डोडा से अनंतनाग के इलाके में घुसे थे। ऑपरेशन जिले के कोकेरनाग टाउन में 10,000 फीट की ऊंचाई में चल रहा है। यहां घनी झाड़ियां हैं और बड़े बड़े पत्थर भी हैं। यही आतंकी छिपे हुए हैं। पुलिस अधिकारियों को आतंकवादियों के छिपे होने का इनपुट मिला था। इसके बाद पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की ज्वाइंट टीम सर्च ऑपरेशन में लग गई। इसी दौरान आतंकियों ने हमला कर दिया। इलाके में 2 से 3 आतंकी होने की आशंका है। पिछले 1 साल में कोकेरनाग में यह दूसरी बड़ी मुठभेड़ है। इससे पहले सितंबर 2023 में कोकेरनाग जंगल में आतंकवादियों के साथ एनकाउंटर में 3 जवान शहीद हुए थे। शुक्रवार 9 अगस्त को पुलिस ने 4 आतंकवादियों के स्केच जारी किए थे। इन्हें आखिरी बार कठुआ जिले के मल्हार बानी और सोजधर के ढोक में देखा गया था। पुलिस ने आतंकियों की जानकारी देने वालों को 5,00,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की। ये आतंकी कठुआ में हुए सेना के काफिले पर हमले में शामिल है। वहीं कुपवाड़ा के केरन इलाके में 17 जुलाई को सेना ने एनकाउंटर में 2 आतंकियों को मार गिराया था। सेना को यहां कुछ आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। इसके अलावा उसी दिन डोडा में भी 2 जगह एनकाउंटर चला। इसमें आतंकवादियों के हमले में 2 सैनिक घायल हो गए थे। डोडा में ही 15 जुलाई को आतंकियों से मुठभेड़ में सेना के 1 कैप्टन और पुलिसकर्मी समेत 5 जवान शहीद हो गए थे। वहीं 16 जुलाई को डोडा के डेसा फॉरेस्ट बेल्ट के कलान भाटा में रात 10:45 और पंचान भाटा इलाके में रात 2 बजे फिर फायरिंग हुई थी। इन्हीं घटनाओं के बाद सर्च ऑपरेशन चलाने के लिए सेना ने जगनबाटा गांव के सरकारी स्कूल में अस्थाई सुरक्षा शिविर बनाया था। डोडा जिले को 2005 में आतंकवाद मुक्त घोषित कर दिया गया था। वही आपको बता दें, 12 जून के बाद से लगातार हो रहे हमलों में 5 जवान शहीद हुए, 9 सुरक्षा कर्मी घायल हुए, जबकि 3 आतंकवादी मारे भी गए। जम्मू रीजन में मई से जुलाई में 10 आतंकी हमलों में 12 जवानों की शहादत के बाद सेना ने अब सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। सूत्रों के मुताबिक ऑपरेशन में सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के 7,000 जवान, 8 ड्रोन, हेलीकॉप्टर्स, करीब 40 खोजी कुत्तों को लगाया गया है। जवानों में ज्यादातर राष्ट्रीय राइफल्स और पुलिस के स्पेशल कमांडोज है। इन्हें डोडा और कठुआ जिलों की पीर पंजाल श्रेणी के जंगलों में उतारा गया है। यहां 5 लोकेशन की पहचान की गई है। सुरक्षा बलों को यहां करीब 24 आतंकियों की मौजूदगी के सुराग मिले हैं। इनमें वो आतंकी भी है जिनकी डोडा के डेसा जंगल में सेना के साथ मुठभेड़ हुई थी। इसमें 5 जवान शहीद हुए थे। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक डोडा और कठुआ 5 महीने से आतंकवाद के एपिसेंटर बने हुए हैं। कठुआ के बदनोटा से डोडा के धारी गोटे और बग्गी तक करीब 250 किलोमीटर में आतंकियों के छिपे होने के सबूत मिले हैं। यहां 20 वर्ग किलोमीटर का एक बड़ा इलाका है, जहां से आतंकी आसानी से पहाड़ चढ़कर घात लगाकर हमला कर रहे हैं। इसीलिए इन्हीं पहाड़ों पर जवानों को खाने पीने के सामान व गोला बारूद के साथ तैनात किया गया है। हालांकि इस वक्त भी जम्मू एंड कश्मीर में एनकाउंटर जारी है और सेना ने आतंकियों का खात्मा करने की कसम खाई है। ऐसे दिलचस्प खबरें देखने के लिए बने रहिए न्यूज स्टेट्स के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।